अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले आप लोगों से अपील ये की जाती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप लोगों के काम की ये खबर है। आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, इससे पहले आपको बता दें कल देश के प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। कोरोना के दौरान क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को पता ही होगा कि इस दौरान केस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। पानीपत की बात की जाए 100+ जो केस हैं वो आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड जो है खबर जो आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का आपको बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद होंगे, वो कक्षाएं कौन सी है उसके बारे में भी आपको बात करवाएंगे, आपकी बात सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री का वो बयान है वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज संकेत ये दिए हैं कि 1ली से लेकर 8वीं तक जितनी भी कक्षाएँ हैं उनको बंद किया जाएगा। 30 अप्रैल तक बंद करने के संकेत मौखिक रूप से आज उन्होंने गुरुग्राम में दिए हैं, और क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा वो आपको बातचीत में सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान जरूर सुनिए। दिल्ली और नोएडा में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है, तो क्या हरियाणा में भी कुछ स्टेप इस तरह के लिए जा रहे हैं नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे? देखिए, लगातार नज़र रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे, और सख्ती तो ज़रूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें, और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट ना किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था, पैनिक ना फैले। व्यवस्था में सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है, हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था फिर से हम काबू पा लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने को लेकर मनाही कर दिया है। उनका ये कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर जो ऐसे ही कोरोना के केस बढ़ते गए, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है, पत्रकारों के साथ जो उनकी बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये संकेत दिया है कि ना तो लॉकडाउन लगेगा और ना ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको फिर से बता दें कि 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद करने के संकेत जो हैं, माफ़ कीजिए, जो कक्षाएँ हैं बंद करने के संकेत आज मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, और पूरे प्रदेश भर में ये लागू हो सकते हैं। मौखिक रूप से आज पत्रकारों के सामने बातचीत में ये बात मुख्यमंत्री ने कही है, लेकिन अभी लिखित रूप में आज संकेत हो या कल संकेत मिले ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से आज मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में संकेत जरूर दे दिए हैं। और लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा और ना ही नाइट कर्फ्यू लगेगा, लेकिन फैसले कड़े लिए जा सकते हैं, ऐसे संकेत जो हैं मुख्यमंत्री ने जरूर दिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।
colors to your learning. Life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।